चलाएंगे ऐसे ही विदाउट टैक्स के ही, एमसीडी भी नहीं देना पड़ेगा जब तक नंबर प्लेट नहीं आएगी। तो गुड मॉर्निंग भाई सारे भाई, यानी मैं विक्की खत्री अपने चैनल एबी कैबला के नए ब्लॉग में करता हूं भाई बहुत स्वागत। तो जैसा आप पिछले दो ब्लॉग से आप देख ही रहे होंगे, अपनी एक गाड़ी आई है अर्टिगा 9, तो इसी के बारे में आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बुकिंग के बारे में इस ब्लॉग में बात नहीं करेंगे, ये गाड़ी कितने रुपये में मिली है और क्या क्या इसका सिस्टम है, किस तरीके का बूट स्पेस है और कितनी इसकी इंस्टॉलमेंट बनेगी, क्या क्या एक्सेसरी इसमें कंपनी लगाती है और कितना इसमें टोटल खर्चा आता है, इस सब के बारे में बताता हूँ भाई आपको। भाई वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। और आप दो दिन से आप सारे भाइयों के भाई बधाई संदेश आ रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और आज इस गाड़ी के बारे में बात करते हैं क्योंकि बहुत सारे अपने सब्सक्राइबर भाई के मैसेज आ रहे हैं, कितने रुपये में गाड़ी मिली है, कितनी डाउन पेमेंट है और कितना इसका वेटिंग पीरियड था। तो इस सब के बारे में भाई बताता हूँ, पहले एक टूर लेते हैं अपनी गाड़ी का और आपको मैं दिखाता हूँ गाड़ी कितना बूट स्पेस है और किस तरीके से। तो भाई ये देखो, ये है गाड़ी की लुक और ये इंजन है, देखो भाई करते हैं बोनट को बंद। भाई बुकिंग आ गई है बीच में ही वीडियो बनाते बनाते ही, तो अभी वीडियो को यहीं पर रोकूंगा और पहले बुकिंग करूंगा कंप्लीट, उसके बाद आगे बताऊंगा आपको। ये देखो भाई, ये देखो और ये है भाई बूट स्पेस। अगर सीट फोल्ड हो जाती है तो बहुत ज़्यादा स्पेस हो जाता है, गाड़ी में कितना भी सामान आप रख सकते हो। और सीएनजी लगने के बाद गाड़ी अभी 720 किलोमीटर चला दी है मैंने दो तीन दिन के अंदर। ये इसमें भाई ये कैमरा है, तो भाई चलो इसका तो टूर बाद में हो जाएगा, वीडियो बाद में भी हो जाएगा, पहले काम कर लिया जाए। वीडियो बनाते बनाते ही आ गई थी बुकिंग गुड़गांव के लिए, तो अभी करता हूँ बात पैसेंजर से और पिकअप करके निकलता हूँ भाई गुड़गांव के लिए और वहाँ पहुँच के बताऊँगा आपको सारी डिटेल गाड़ी के बारे में। तो भाई जो बुकिंग आई थी मेरे पास उसका तो मैंने कर दिया है एंड, चला भी गया और आ भी गया। तो उसके बाद भाई अपना ये व्लॉग मैं बढ़ा रहा हूँ आगे। तो भाई अर्टिगा कार जो हमने ली है वो है, इसकी डाउन पेमेंट के बारे में बात करें तो भाई डाउन पेमेंट हुई है 2,50,000 रुपये की और 1,00,000 रुपए की एसेसरीज लग गई है जिसमें, तो टोटल हमने पेमेंट किया 3,52,000 रुपए और इंस्टॉलमेंट इसकी बनी है भाई 25,000 रुपए पर मंथ, 4 साल का केस कराया है हमने और VXI मॉडल लिया है भाई। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि स्पीड गवर्नर गाड़ी में नहीं होता है, स्पीड खुली रहती है, स्पीड का इशू नहीं है। जो 80 पे गाड़ी ब्लॉक हो जाती है वो पंगा नहीं है इसमें, तो कहीं लंबा जाना है
तो बेफिक्र ड्राइवर निश्चिंत होकर इसको चला सकता है। तो VXI मॉडल मेरे को तो भाई पसंद आया VXI मॉडल, क्योंकि स्पीड का तो बहुत ज़बरदस्त इश्यू आता है 80 की स्पीड में, तो भाई हाईवे के ऊपर तो ऑटो रिक्शा भी आगे पहुंच जाते हैं, और 80 की स्पीड में कब तक बंदा पहुंचेगा। ऐसे टैक्सी के लिए अगर 80 की लिमिट गवर्नमेंट ने सेट की है तो कुछ सोच समझ के की होगी, मगर भाई हमें VXI मिल गई तो इसलिए हमने VXI ले ली। हर महीने 10 तारीख को भाई इंस्टॉलमेंट कटेगी, वो 25,000 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट है इंस्टॉलमेंट का, तो काम तो भाई खींचना पड़ेगा दिन रात इसमें, और तभी जाके इंस्टॉलमेंट पूरी होगी। काम का तो भाई कोई इशू है नहीं, काम तो बढ़िया है दिल्ली में, तो कोई दिल्ली की तो मेरी गारंटी है काम की कोई समस्या नहीं है। आप दिन में चलाओ रात में चलाओ 24 घंटे काम है, करने वाला थक जाएगा, कंपनी काम देना बंद नहीं करती है भाई, करने वाला हार मान जाएगा जी बस अब तो घर जाना पड़ेगा, मगर कंपनी आपको बुकिंग देना बंद नहीं करेगी। तो भाई ये अर्टिगा कार बताई दिया है मैंने, इसका डाउन पेमेंट कितनी हुई है और कितनी इसकी इंस्टॉलमेंट बनी है 4 साल के लिए, और VXI मॉडल है, स्पीड गवर्नर इसमें है नहीं, और अभी ये कैरियर लगवाना है भाई, कैरियर लगवाएंगे नंबर आ जाने दो पहले, और इसका भाई अब एक महीना तो चलाएंगे ऐसे ही विदाउट टैक्स के ही, MCD भी नहीं देना पड़ेगा जब तक नंबर प्लेट नहीं आएगी। तो भाई ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक ही था, कोई शो ऑफ करना नहीं था कि मैंने गाड़ी ले ली है, ये देखो और वो देखो, ये इतने मैंने दे दिया और वो दे दिए, ये सिर्फ इसका ये मकसद था वीडियो बनाने का। तो कमेंट में जो है ना कई बहुत सारे भाई क्वेश्चन पूछ रहे थे कितनी डाउन पेमेंट दी, कितने की इंस्टॉलमेंट बनी, तो उन सारे बातों का जवाब मगर एक ही वीडियो में दे दिया जाए। और इसका भाई वेटिंग पीरियड का भी एक भाई का मैसेज आया था, तो कोई वेटिंग नहीं थी भाई, 2 दिन के अंदर ही गाड़ी मिल गई, जिस दिन गाड़ी चाहिए थी उसी दिन मिल गई, कोई ना कोई बुकिंग कराई थी, कोई भी ऐसा काम नहीं था कि भाई 6 महीने में मिलेगी 9 महीने में मिलेगी, जिस दिन गए उसी दिन गाड़ी उन्होंने कंप्लीट करके दे दी। HR नंबर गाड़ी ली है, बस अब एक ही काम है दिन रात लगे रहो, ताकि इसकी कोई छोटी बहन बड़ी बहन और आए अगले 6 महीने में 1 साल में, तो बस काम खींचते रहो, अब सिर्फ एक ही काम बचता है, इसके भी कोई रिलेटिव ने लेके आओ भाई, बास पड़ोस में खड़ी होएगी उसके भी, इसका भी जी लगा रहेगा। तो भाई चलो इस वीडियो में इतना ही आपको बताना था ये गाड़ी के बारे में, वीडियो अगर भाई पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट तो आपने करना ही करना है हर हाल में, और नए भाई जो है ना सब्सक्राइब कर लो, ताकि भाई वीडियो के नोटिफिकेशन आप भाई ने मिलते रहे। तो भाई चलो वीडियो का कर रहा हूँ एंड, तो सारे भाई अपने भाई विक्की खत्री को दो इजाजत, सारे भाई ना भाई राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय शीतला माता।